जब सांसें भरूं मैं बंद आंखें करूं मैं नजर तू यार। Assalamualaikum everyone, ahlan wa sahlan, marhaba, marhaba ya shabab, कैसे हैं आप लोग सब यो? Finally, is back, finally she is back. बहुत ज़्यादा जस्ट अभी थोड़ी देर हुई है मैंने इसको लिया और लेके सीधा घर की साइड पे आ गया। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा रही, दिल ही खुशी हो रही है कसम से। क्या बताऊं, बस चुप कर जाओ, कोई इमोशंस नहीं है, चुप, बिल्कुल चुप, आवाज नहीं किसी। जब मैं इसको लेने गया हूँ ना अभी, तो जब मैंने देखा पेंट हुआ हुआ है ये वो, और जब स्टार्ट हुई है ये, ओए होए होए होए। लेकिन अभी इसको मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, जरा थोड़ा सा सब्र कीजिए, जरा थोड़ा सा सब्र कीजिए। मुझे घर से पैसे वगैरह उठाने थे, चार्जर भी भूल गया था, चार्जर भी लेकर आया हूँ, मेरी ग्लासेस सारे, मेन चीज कहाँ है, ये रहा। ये इसका कॉइल फिर से सड़ चुका है और नया कॉइल लेना, बकवास सा कॉइल था, इसने सड़ना ही था, मुझे ऑलरेडी पता था, लेकिन एक दिन गुजार गया, बड़ी बात है भाई। अब जाके असली वाले अच्छे से कॉइल्स लेंगे, तीन कॉइल्स लेंगे, सीधा उधर जाना। आई नो आप लोग सब वेट कर रहे हैं, देखना है, सबको देखना है अभी जिस हालत में, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा सब्र कर जो। अभी पता क्या सीन, अभी 11:30 हो रहे हैं, पहले तो ये वेव शेप के काम है, कॉइल लेने, इसके बगैर रहा नहीं जाता यार, पहले ये कॉइल्स वगैरह लेने, उसके बाद एक ही दफा ना जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ। अभी सबसे पहले जाना है वेप मॉल, उधर से कॉइल्स वगैरह लेके फिर सीधा गाड़ी के काम करवाते हैं, उसके बाद फुल इसको रेडी करके, इसको वॉश करवा के, इसकी सर्विस करवा के, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ जिस तरह की इसकी आगे से लुक बन गई है ना। ओए होए 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 होए। फाइनली वेप मॉल, वही रास्ते में चेक किया था वो, रास्ते में वो टिकटॉकर्स स्लोमो वॉक बना स्लोमो वॉक चल रही थी, वल्लाही कसम से, क्या बोले बंदा, सही है भाई, सही है, लगे रहो, नहीं सब मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए, ठीक है? हमसे भाई कॉइल्स वॉइल्स सड़ गए थे, 100 वाट वाला लेके जाता हूँ, 3-4 दिन चस्के कराते हैं, उसके बाद फिर सड़ जाते हैं। 100 वाट की लाइफ इतनी होती है। अच्छा, लेकिन उसके बगैर फिर और किसी में मजा नहीं आता। तो अब मुझे 3 कॉइल्स चाहिए। 3 कॉइल्स 100 वाट फ्लेवर वाटरमेलन, नहीं उसके अलावा कोई भी नहीं, वाटरमेलन से मजे करा रहे हैं। ये मोबाइल आपके, आपसे एक सब्सक्राइबर भरवाता हूँ अपना में। क्या मैं आपने सब्सक्राइब ना करें, आपको पता है व्लॉग्स वगैरह यार क्या बात है। ओए होए ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड यार हमजा भाई, वल्लाही उस दिन भी नया फ्लेवर ट्राई किया एप्पल वाला, दिल ही नहीं गया यूज करने का, जरा चेक करवाए ना कौन सा, वो अभी तो नया क्या लिखा है, स्मोकिंग किल्स वेकिंग वेपिंग सेव्स लाइव्स, वेप करो भाई वाइन पुल, जितना लिमिट से कर सकते हो उसमें करें। ऐसी बंद करके ये रिंग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी जगह घोड़े भागते हुए आ रहे हैं, ये देखिए। चलो ओके हमजा भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। ए हाई ऑक्टेन फुल। मैंने पूछा ना हमजा भाई को कि आपको कैसे पता चला चैनल का, तो कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है फैसलाबाद में, उसने मुझे बताया था कि आप एक पहले भी ब्लॉग में आए थे ना, मैं इधर आया था तो हमजा भाई से पूछ रहा था कि वेब से भी, ये छोटा भाई है वो फैसलाबाद में होता है, उन्होंने इनको बताया था कि यार ये इसका चैनल है, यूट्यूब पे आए हुए हो ये बता रहे। घूम फिर के सारा इधर से उधर घूम के वापस इधर ही आने हैं, मतलब इस गाड़ी के काम यहीं पे होते हैं, जो मर्जी हो जाए, जो उनसी मर्जी अच्छी शॉप मिल जाए, सारे काम इस गाड़ी के होने यहीं पे हैं। सारा घूम के आया हूँ, लेकिन मसला ये है कि किसी की शॉप्स बंद है, कोई कह रहे है कि इतने बजे आ जाना, कोई कह रहे है कि हमारे पास ये है ये, लेकिन ये नहीं है, लेकिन मुझे एक ही जगह से सारे काम एक ही दफा करवा। गाड़ी ना मार दे,
इसका टायर चेंज करवाया है, इसके टर्बो के अंदर जो स्पेयर टायर होते हैं ना वो वाला टायर लगवाया। और दूसरा ये देखो, ये जो इसका कवर है ना, ये इधर से धागे निकले हैं, ये सारा इसको करने के लिए फिर नया लेदर का लिया, ये इंस्टॉल कराएगा। और एक है साइड स्कर्ट्स भी इंस्टॉल करवानी है, बस ये थोड़े बहुत काम है, उसके बाद एक दो चीज़ें और करवानी है, फिर सीधा घर जा। अभी भी फ्लेवर मिक्स हुआ है, स्टीयरिंग इसी गाड़ी का ना? हाँ जी, हरी जगह इसकी प्लेन हो गई है। हाँ वही ना, ये प्लेन हो गया, ये सारे प्लेन हो गया, और ये धागे से ये धागा जो है ना बारीक लगाओ, मेरे पास अच्छे वाला धागा है, इसका ये इशू नहीं आएगा जो आपका ये है। चले सही है, स्टीयरिंग व्हील को ऐसे ही छोड़ दें तो ज्यादा पैरा नहीं लग रहा बहुत ही, जैसे आपका वो प्लेन हुआ है ना। हाँ। ये भी प्लेन होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, ये इधर लिखा हुआ है एवरीथिंग यू नीड इज ऑलरेडी इनसाइड, अगर मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए ना साथ में ये लिखा चाहिए था, एवरी कार एक्सेसरी यू नीड इज ऑलरेडी इनसाइड। सारे काम हो गए, साइड स्कर्ट्स आज अवेलेबल ही नहीं है तो कह रहे हैं कि कल साइड स्कर्ट्स आएंगे। शीशे काले हो गए, ये भी हो गया, स्टीयरिंग व्हील की ग्रिप ओए होए सेक्सी हो गई है एकदम। अब सीन ये है कि मुझे जल्दी से घर पहुंचना है यहाँ से, क्योंकि जो काले शीशों का लाइसेंस है ना वो घर पड़ा हुआ है, मेरे पास कोई पिक्चर भी नहीं है उसकी, ऐसे इन लोगों ने रोक लेना सीधा 5,000 रुपए का फाइन ठोकने, इशारों पे खड़े होते ना के लगा के इशारों पे पकड़ लिया ना, फिर गए 5,000। मानी बच बुझ के बस अपने घर की साइड पे आ गए, होते हैं ना यार अपने घर की साइड पे आ जाओ तो सेफ फील होता है, अपने एरिया में हो ना सेफ फील होता है, कुछ भी हो जाए मसला ही नहीं होता, फिक्र ही नहीं होती। इस RS टर्बो के अंदर पैडल शिफ्टर्स है, और मुझे पता ही नहीं है पैडल शिफ्टर्स को यूज कैसे करते हैं, वल्लाह इतनी तेज भागती है, स्पोर्ट्स मोड पे करो और उसके बाद पैडल शिफ्टर्स का यूज करो, शुरली की तरह निकलती है। जब मैं आ रहा था ना तो केनाल रोड के ऊपर मैंने एस पे किया और पैडल शिफ्टर यूज किया, ओए होए क्या भागती है। RS टर्बो में सबसे स्पेशल चीज ही है, मैंने कभी ये ट्राई नहीं की, पता नहीं क्यों मैंने ट्राई नहीं, मुझे असल में इसके बारे में पता नहीं था कि पैडल शिफ्टर्स यूज कैसे करते, मैंने कहा स्पोर्ट्स मोड में, याद है बहुत पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने 0 to 100 दिखाया था स्पोर्ट्स मोड में करके, कोई 8 सेकंड 8.4 सेकंड इस तरह मैं कुछ 0 to 100 गई थी। अगर मैं पैडल शिफ्टर यूज करूँ ना वल्लाह मुझे लगता है 6-7 सेकंड मैक्सिमम 6-7 सेकंड लगेंगे इसको 100 में जाने में, लेकिन ट्राई जरूर करेंगे कभी, कोई खाली रोड अकेले में, कोई रेस नहीं लगानी मैंने, कोई रेस नहीं लगानी अकेले में करना है। चल भी है, मुझे क्यों नहीं पता था भाई, पहले क्यों नहीं पता था मुझे। अच्छा आजकल पता क्या सीन है, ट्रैफिक पुलिस वाले रोड के साइड पे खड़े हो ना बीच में आके ऐसे यूं हाथ मारते हैं, एकदम बोनट के आगे आगे यूं हाथ मारते हैं अगर कोई बंदा उसके सामने से भी जाए। बस घर जा रहा हूं और घर जाके काले शीशों का लाइसेंस उठाने, उसके बाद फिर गाड़ी को वॉश कराते हैं, और उसके बाद फाइनल लुक, वॉश होने के बाद बहुत ज्यादा प्यारी लगनी है, और मुझे फिर देखना है फाइनल लुक हैवान के बच्चों का। ये कहते थे शीशे काले हैं, गाड़ी दिखा तो दिया हमने, ख्याल कहते हैं हमें पानी छानी पिला दो यार, क्या पिलाएं वल्लाह, कैसा परमिट दिखाने के बाद एकदम चुप हो गए, पता है अभी सुबह सुबह व्लॉग में मैं इन लोगों को बोला था, मैंने कहा परमिट मुझे लेना पड़ेगा, अभी परमिट है, परमिट की वजह से बचत होगी, डीएसपी आ रहा है हैवान है तुम वल्लाह। अब ये किसी और की ताड़ में है, किसी और की ताड़ में कहता कि आओ आपको पानी पिलाएं, जब बोला कि नहीं हम बस जा रहे हैं जल्दी, तो कहता कि आप पिला दो पानी, तभी लूटते हैं वल्लाह पुलिस वाले बहुत गंदा लूटते हैं, बंदा डट के खड़ा रहे ना अपनी बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 500 रुपए के चेंज के लिए इतनी ख्वारी करनी पड़ रही है, ऑर्डर इधर खुद ला देंगे वो टोनी एंड जुगनू। अच्छा वैसे एक बात बता, ये एक बंदे के लिए होता है या इतना बड़ा यार बड़े, अगर इसका जायका मजा ना हो ना वल्ला यहीं पे गाड़ी से उतार के मैं चला जाऊंगा, क्या इतना दूर आने वही मसला है ना, अंदर है क्या इसके सॉसेज डाली में इसने अलग से नहीं है वल्ला बहुत मजे का, एक सामने जॉनी एंड जुगनू दिल आ गया इसके ऊपर। इधर से आओ क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, आप पठान हो सारे? अला कमारा निश्ता जोड़ बराबर दे किधर घूम रहे हो? इधर ही रहते हो आप लोग? अच्छा व्लॉग्स वगैरह देखते हो? सब्सक्राइब किया? एक दफा इन सबको बोलो जिस इसने सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, चलो जाओ घर, घर जाओ आप लोग, सही है? ओके ब्रो, ओके हाफिज़। हेलो इस्मानी कैसी हो? चल भाई कैमरा मैन भाग जा, चाबी है? हाँ
इस्मानी, जिस बंदे ने गेस किया, जिस बंदे ने कमेंट करके गेस किया कि ये कौन था जिसने वीडियो बनाई है, सबके कमेंट्स लाइक करूंगा, सब हर एक एक बंदे। फाइनली ठीक हो गई है, सब कुछ नॉर्मल हो गया, पेंडे लाइट टायर का रिम जो भी है पार्ट सारा जितना भी डैमेज था ना सब कुछ ठीक हो गया और बैक टू नॉर्मल। जब वो पुलिस वालों ने पकड़ा था ना तब इसको मैं वॉश करवाने ही जा रहा था, तो वॉश करवाने वहां तक पहुंचे उन लोगों से सारे लिपटे, वो परमिट दिखाया, परमिट दिखाने के बाद सीधे हल्के हो गए, कुछ भी नहीं बोला आगे, सिर्फ और सिर्फ वही क्या करते हो फजूल बातें कहते रहे बस टाइम ज़ाया करने के लिए, ताकि स्टैंडर्ड बना रहे भाई हम लोगों ने पकड़ा है इनको। उसके बाद इसको मैं वॉश करवाने के लिए लेके गया हूं, तो प्यारी लग रही है बल्ले ना इसको। जब मैं वॉश करवाने लेके गया हूं, उधर जस्ट उसने दरवाजे खोले सब कुछ, तो उसने जस्ट लाइक पानी उसके ऊपर डालने लगे और उसी मोमेंट में एकदम तेज आंधी चलने लगी, तो मैंने कहा भाई रहने दो ऐसे ही, 15 मिनट के अंदर इसने फिर खराब हो जाने। अल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि अब ये वापस हो गया और माशाल्लाह इसकी आगे से लुक बहुत प्यारी लग रही है। अब ये वाली जो लाइट्स इंस्टॉल करवाई है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इस्मानी अब मैं भी थोड़ी देर घर जाता हूँ यार, सुबह 10:30 बजे का मैं निकला हूँ, 10:30 बजे से लेके अब रात के 1 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं रात के, मैं अभी तक बाहर हूँ और व्लॉग ही बनाए जा रहा हूँ इधर से उधर। और जिस बंदे ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी तकलीफ कीजिए Instagram @4ycock, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ एक दफ़ा सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, ये ना हो कि जिसने सब्सक्राइब किया वो भी सब्सक्राइब प्रेस करें अनसब्सक्राइब हो जाएगा। हाइवान थोड़ी करना। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अनटिल देन, बाय।